अधिकारी दीपक बहादुर सिकुम। यहाँ के नौजवानों में कई प्रकार के हुनर हैं। हम खेल के जगत में उनके प्रतिभा के अनुरूप हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इनको हम सीधी नियुक्ति से जोड़ेंगे। ये सपना आज पूरा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं चयन भारत। झारखंड खेल जगत के लिए ऐतिहासिक बना। राज्य के 27 पदक विजेता खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। 36 खिलाड़ियों में से 27 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया, बाकी 9 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र उनके घर भेज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में एक आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपा। सभी खिलाड़ियों को गृह विभाग में आरक्षी के पद पर नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इसी मौके पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है और झारखंड प्रतिभाओं की तो खान है। यहां से हजारों खिलाड़ी निकलकर प्रदेश से देश में नाम कमा रहे हैं। ज्योति कुमारी खिलाड़ी की वुशु की खिलाड़ी ज्योति कुमारी, इनके बाद जिस जोश के साथ आप खेलते हैं वैसे ही जोश होनी चाहिए आपकी तालियों में। ज्योति कुमारी जिला रांची। दीपक बहादुर पिटूम खिलाड़ी जिला रांची वुशु के खिलाड़ी, तालियां कम हो रही है। वहीं खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप सभी खेल में विशेष ध्यान दें और अपने देश से लेकर राज्य का नाम रोशन करते हुए अपने जीवन में यश कृति प्राप्त करें। यहाँ के नौजवानों में कई प्रकार के हुनर हैं। हम खेल के जगत में आज से ही अपनी पहचान नहीं बनी है, बरसों से हमारे इस पिछड़े क्षेत्रों से कई खिलाड़ियों ने देश दुनिया में अपना नाम तो रोशन किया, लेकिन काफी दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके उस हुनर को पहचानने में बहुत विलंब हम लोगों ने की। सरकार बनने के बाद से ही आप लोगों ने महीनों से, आपके कानों तक में ये खबर जाती रही होंगी कि सरकार खिलाड़ियों के प्रति, खेल के प्रति कई कदमें उठा रही हैं। आपकी उम्मीदें भी बढ़ती दिखाई दे रही थी और इस कड़ी में हम लोगों ने पहली बार इस राज्य में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की, पहली बार 2400 जिला में, और उसकी नियुक्ति भी हमने नहीं की, उनकी जो जिला पोस्टिंग वो भी हमने नहीं की, उसकी पोस्टिंग भी हमारे उन पदाधिकारियों ने खुद से कर ली। इसी सभागार में लॉटरी के आधार पर जो भी पदाधिकारी, जिनके किस्मत में जहां लिखा था, इन लोगों ने अपना पर्चा उठाया और इन लोगों ने अपनी योगदाने दी। और आज का ये सुखद घड़ी जब हम यहाँ के नौजवानों को उनके प्रतिभा के अनुरूप
हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इनको हम सीधी नियुक्ति से जोड़ेंगे, ये सपना आज पूरा हो रहा है। मौके पर नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हुए खिलाड़ी ज्योति कुमारी, दीपक बहादुर, अन्य खिलाड़ियों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए खुशी जाहिर की है। सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र मिला गया और ये नियुक्ति पत्र पाकर हम लोग काफ़ी उत्साहित, काफ़ी खुशी है। ये पहली सरकार है जिसने हमें खिलाड़ियों की सुध ली है और खिलाड़ियों के हित के बारे में कभी सोचा। और जब से झारखंड गठन हुआ तब से लेकर आज तक किसी भी खिलाड़ियों की नियुक्ति नहीं हुई थी और हमारे इस जर्नी में हमारे माता पिता का काफ़ी सपोर्ट रहा। हमारे कोच श्री रजी अहमद, हमारे झारखंड वुशु एसोसिएशन के सेक्रेटरी सर श्री शिवेंद्र नाथ दुबे सर, पप्लू सर, दीपक सर और प्रदीप सर का काफ़ी सपोर्ट रहा, जिनके बदौलत आज हम इस पोजीशन में हैं। कार्यक्रम में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, राज्य के सचिव पूजा सिंगल पुरवार समेत विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।